हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नशा मुक्त और संस्कार से युक्त समाज ही बढ़ेगा आगे। गोविंद वल्लभ दास जी महाराज। धार्मिक महोत्सव के दूसरे दिन हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। कस्बे के घासियों के वास में प्रजापत समाज परिहार परिवार के स्वर्गीय सवाजी खिमजी की पुण्य स्मृति में पुत्र मंशालाल जी एवं जयपाराम जी की ओर से आयोजित दो दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। सवेरे धर्म सभा का आयोजन श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज संस्थापक श्रीपति धाम नंदवन राजपुरा सिरोही नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के महंत सुखदेव गिरी जी महाराज एवं बीठन महंत राव गिरी जी महाराज के सानिध्य में हुआ। इस दौरान श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को धन के साथ ही तन का नुकसान भी पहुंचाता है। नशे से व्यक्ति का नैतिक चरित्र और मनोबल कमजोर होता है और एक कमजोर व्यक्ति समाज को कभी ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकता। अतः नशे की प्रवृत्ति से बचे एवं दूसरों को इससे दूर रहने की बात भी कही। साथ ही समाज के आधार स्तंभ किशोर किशोरियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त कर माता पिता का समाज का नाम रोशन करने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि कलयुग में शक्ति और सत्ता की साबी उसी वर्ग के हाथ में होगी जो कि शिक्षित और संगठित होगा। नवयुवकों को अपनी संस्कृति और परंपराओं को ना भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप भले ही आधुनिक और प्रगतिशील बने लेकिन अपनी सभ्यता और परंपरा को बिल्कुल ना भूले, उसे हर हाल में जिंदा रखते हुए अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाए। महोत्सव के आयोजक परिवार के मंशालाल जी एवं जयपाराम जी का समाज की ओर से साफा व पुष्प माला पहनाकर स्वागत कार किया गया। इस दौरान रानीवाड़ा विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल, कांग्रेस के पूर्व मुख्य सचेतक रतन देवासी, उप प्रधान प्रतिनिधि राम सिंह परमार, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि छगनलाल राजपुरोहित, भाजपा मंडल अध्यक्ष दौलत सिंह कलापुरा, सरपंच प्रतिनिधि मोडाराम प्रजापत, पुष्कर पुरोहित और भवानी सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। भजन संध्या आयोजित की गई जिसमें सुबह तक बही भजनों की सरिता। महोत्सव में रविवार शाम को विशाल भक्ति संध्या का आयोजन हुआ जिसमें सुप्रसिद्ध गायक कलाकार श्याम पालीवाल एंड पार्टी की ओर से गणपति के साथ भजनों की शुरुआत हुई। इसके बाद आज री जागरण में आवनों पड़े लो अगड़ बम शिवलहरी, रानी रूपा रावल मालदे, रामा कवर रो घोड़लो घूमता आवे सहित एक से बढ़कर एक विभिन्न भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान लंपी बीमारी से पीड़ित गायों के लिए कस्बे में संचालित हो रहे आइसोलेशन सेंटर के लिए समाज बंधुओं की ओर से 31,000 रुपए की चंदा राशि भेंट की गई। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।